good morning students welcome again in online class today we are going to start national income numerical portion that is a practical part we have already done theoretical portion that that is lesson 1 2 3 and 4 now today we are going to start lesson number 3 that is deal with the national income aggregates and how we can convert different concept we are going to discuss नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के थ्री मेथड्स हैं इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड्स अगर हम पूरी कंट्री की पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी लोगों की इनकम है उसको कैलकुलेट को प्लस कर लें तो हमारे पास इनकम मेथड से नेशनल इनकम आ जाती है अगर हम कहें कि पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना खर्चा आ रहा है तो उससे हम एक्सपेंडिचर मेथड की फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं या बेटा अगर हम डिस्कस करें टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है तो उसको हम प्रोडक्शन मैथड के अंदर डिस्कस कर सकते हैं इससे पहले हम इसके मैथड डिस्कस करें तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से नेशनल इनकम के मैथड को समझना और अप्लाई करना क्वाइट ईजी हो जाएगा सो टुडे लेसन नंबर थ्री दैट इज़ नेशनल इनकम रिलेटेड टू एग्रीगेट्स इसमें हम थ्री कंसेप्ट करेंगे मेन जिसको हम कन्वर्शंस कहते हैं उनको कन्वर्ट करना सीखेंगे जिससे हमारे नेशनल इनकम का अगला पार्ट जो मैथड्स हैं वो हमें ईजीली समझ आ देंगे न फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज अ ग्रोस ऑन नेट ओके नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट आता है ग्रोथ ऑन नेट ग्रोथ एज वी हैव डन इन प्लस वन ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या सिंपली ग्रोस मीन बड़ा ज़्यादा लार्ज एंड नेट मीन स्मॉल ग्रोस ऑन नेट अगर हम लिखते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो अंडरस्टूड है ग्रोस जो कंसेप्ट है वो बिगर पार्ट को डिस्कस कर रहा है और नेट स्मॉलर पार्ट को इन दोनों का डिफरेंस जो पाया जाता है दैट इज़ नॉन एज ए डेप्रिसिएशन अगर हम नमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो ग्रोस और नेट में डिफरेंस क्या है डेप्रिसिएशन अगर आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है और आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना हो तो आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर है सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल एग्जांपल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं uh, हम लोग सपोज किसी कंटेनर को uh, किसी घी uh, uh, के कंटेनर को बाय करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हो नेट वेट ऑफ कंटेनर इज़ इज़ टेन ग्राम ओके उस कंटेनर का जो वेट है भार है वो दस ग्राम है और उसके अंदर जो घी है दैट इज़ नाइन नाइन्टी ग्राम तो नेट प्योर उसमें टोटल मटेरियल जो है वो 990 ग्राम है और कंटेनर का वेट जो है वो 10 ग्राम है तो दोनों को मिलाकर टोटल होगा 1000 थाउजेंड ग्राम तो वन के जी इट इज़ नोन एज ए ग्रोस वेट ऑफ द कंटेनर एंड नाइन नाइन्टी इज़ नेट तो उन दोनों में जो डिफरेंस था दैट टेन इज दैट इज़ नोन एज ए डेप्रिसिएशन इसी तरह से जब किसी मशीन को बाय करते हैं उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करते समय उस मशीन के रख रखाव के ऊपर उस मशीन की फिटिंग के ऊपर उस मशीन की सर्विस के ऊपर या उस मशीन को यूज़ करते करते उसके कुछ स्पेयर पास टूट जाते हैं तो जो खर्चा आता है उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम लेते हैं तो डेप्रिसिएशन एक कंसेप्ट है जो ग्रोस और नेट के डिफ्रेंसिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है थेरेटिकल क्वेश्चन बुक्स में डेप्रिसियन के बहुत सारे नाम दिए डेप्रिसिएशन को कंजपशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है करंट रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर भी कहा जाता है एक्सीडेंटल डैमेज भी कहा जाता है और एक्सपेक्टेड ऑप्सलेंस भी कहा जाता है तो कोई भी वर्ड नमेरिकल के अंदर जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो आपने उसको चेक करना और ग्रोथ एंड नेट जाने का प्रोसेस आपका डेप्रिसिएशन से सॉल्व होगा फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू कैलकुलेट जी एन पी एट जी एन पी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इन दोनों में से आपने ग्रोथस और नेट के डिफरेंस को निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए जैसे ने फर्स्ट लिखा है जी डी पी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट एंड एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस तो ग्रोस और नेट के अंदर जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन पाया जाता है ग्रोथ मोस्ट प्रोबली बड़ा होता है और नेट इसका जो स्मॉलर पार्ट है और इन दोनों का जो फिलर है दैट डिडक्शन अगर हम सिंपली के ग्रोस माइनस नेट दैट इज आल्सो डेप्रिसिएशन इट इज़ अ फर्स्ट कंसेप्ट ग्रोस और ग्रोस और नेट Now, second concept that is the domestic income. Domestic income, income. पहले income. If we discuss income in the domestic territory, that is टोमेस्टिक इनकम अगर हम किसी देश की इनकम को डोमेस्टिक टेरेटरी के अंदर डिस्कस करते हैं कि हमारे देश के अंदर इतनी स्टेट्स हैं इतनी डिस्ट्रिक्ट हैं इन सबसे इतना पैसा है डोमेस्टिक टेरेटरी के अंदर इतना पैसा हुआ तो हम कहते हैं दैट इज़ अ डोमेस्टिक इनकम लेकिन जब हम फॉरन से आने वाले पैसों को भी उसके अंदर एड ऑन कर देते हैं दैन इट बिकम अ नेशनल तो ये हमारा नेशनल इनकम बन जाता है तो फोरन से आने वाला पैसा दैट इज़ एन एफ आई ए दैट इज़ ए नेट फैक्टर इनकम फ्राम अब्रोड डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई इक्वल टू नेशनल इनकम अब एन एफ आई ए क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम बोर्ड जब भी हम नेट वर्ड यूज करते हैं तो नेट का मतलब कुछ माइनस हो रहा है जैसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर ग्रोस और नेट को डिस्कस किया तो नेट मे समथिंग वी हैव टू सब्ट्रैक्ट कुछ हमने माइनस करना तो हमारे पास जो ग्रोस का कंस में से कुछ माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा तो यहाँ भी नेट निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड है वॉट इज़ अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड देखो हमारे देश के कुछ लोग फ़ौर में शिफ्टेड हैं या फॉरन में रह रहे हैं अगर वो फ़ौर में काम करते हैं और मान लो वो हंड्रेड करोड़ रुपीज़ कमाते हैं और फॉरेन के कुछ लोग हमारे देश में आकर काम करें वो एट्टी करोड़ रुपए कमाते हैं तो असल में हमारे देश में पैसा कितना आया फ्रॉम हमने कितना कमाया था सौ करोड़ और उन्होंने हमसे कितना कमाया था दैट इज एट्टी तो डिफरेंस कितना है दैट इज 20 ट्वेंटी करोड़ तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड फ़ॉरन से कमाया गया पैसा और फॉरनर्स को ने जो पैसा हमारे देश से कमाया इन दोनों के डिफरेंस को एन एफ आई कहाता है तो डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई ए इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम तो यहाँ पर नेशनल अगर आपने नेशनल इनकम निकालना हो या नेशनल का कोई भी कंसेप्ट निकालना हो तो डोमेस्टिक गिवन हो तो उसके अंदर एन एफ आई एड कर दो और अगर ना डोमेस्टिक निकालना हो तो नेशनल में से आप एन एफ आई ए माइनस कर देते हो तो ये हमारा कंसेप्ट था डोमेस्टिक और नेशनल ना थर्ड कंसेप्ट दैट इज अ मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट थर्ड कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट है मार्केट प्राइस को हम सिंपल uh, एव्रिवेशन की फॉर्म में एम पी से इंडिकेट करते हैं और फैक्टर कोस्ट को हम दैट इज एफ सी से वट इज़ मार्केट प्राइस एंड वट इज अ फैक्टर कॉस्ट किसी प्रोडक्शन में जब प्रोडक्शन की जाती है तो हम बेसिक फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल ऑन यूज़ करते हैं और सारा रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद कोई प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो जितना क्या का वो प्रोडक्ट बना है दैट इज़ ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट लेकिन जब उसके ऊपर टैक्सेस पे किए जाते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है तो उसको हम प्राइस की फॉर्म में ले जाते हैं तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दो कंसेप्ट है जितने की कोई प्रोडक्ट बनता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं और इतने का वो प्रोडक्ट बिकता है दैट इज नॉन एज इस मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस और फैक्टर को के अंदर डिफरेंस क्या है टैक्सेस तो जी एट एम हमें जी डी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एड फैक्टर को इसमें देखो जी डी पी तीनों सेम है एम पी और एफ सी का डिफरेंस है तो इसका डिफरेंस कैसे सॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सीज वन मोर एग्जाम्पल इसी तरह से एनडीपीएट एम पी है और आपने एन डी पी एफ सी निकालना है तो इसमें आपने सॉल्व करने के लिए क्या डिस्कस किया माइनस किया दैट इज नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सी अब नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सीज इक्वल टू इनडायरेक्ट डायरेक्ट माइनस सब्सिडीज इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या आते? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो एक पर्सन पे लगते हैं गवर्नमेंट लगाती है सेल के प्रोसेस के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर और इसको बाद में कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है दैट इज अ शिफ्टेबल टैक्स इस टैक्स के लगने से हमेशा गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं सब्सिडी क्या है सब्सिडीज आर द कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइजेस और द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन कॉमिटी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सेल द गुड्स एट द प्रा एट द लोअर प्राइस कहते सब्सिडीज़ क्या है सिंपली एक फाइनेंशियल हेल्प है जिससे प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाता है और सोसाइटी के कुछ ऐसे पोर्शन को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है जो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सक जैसे एल पी जी गैस के पास सब्सिडी मिलती है ताकि जो बी पी एल होगा पुअल हो गया उसको आसानी से खरीद सके तो सब्सिडी एक ग्रांट है एक हेल्प है जो हम जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस एक टैक्स है जो शिफ्ट ने जो शिफ्ट किए जा सकते हैं और स्टार्टिंग uh, में इसको जैसे होल सेलर पे करता है एंड में इसका जो बर्डन है वो हमारा कस्टमर uh, के ऊपर है तो इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए मान लो किसी पर्सन के ऊपर मान लो कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा हंड्रेड रुपीज़ किसी प्रोडक्ट product के प्रोडक्शन के ऊपर लेकिन इनडायरेक्टली उसको एट्टी रुपी सब्सिडी मिल गई है तो वहाँ पर उसने असल में टैक्स कितना पे किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस एट्टी तो वहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू ट्वेंटी होगी तो यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी ओके अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अगर आपने जी डी पी एम पी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए हैं तो इसका मतलब आप फैक्टर कोस्ट पर पहुँच गए हो तो आपका कंसेप्ट जी डी पी एट एफ सी बन गया और अगर आपने नेट के ऊपर जी डी पी एम पी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए तो इसका मतलब आप फैक्टर को के कंसेप्ट को क्लियर करो एम पी माइनस एफ सी इज इक्वल टू नेट इन डायरेक्ट थे जिनकी हेल्प से हम अगले एट एग्रीगेट्स को डिस्कस करेंगे वंस अगेन रिकैप ग्रोस और नेट का डिफरेंस क्या है डेप्रिसिएशन ग्रोथ और नेट में से आपने अगर डिफरेंस निकाल माइनस करते हो ग्रोथ में से नेट माइनस करते हो आपके पास डेप्रिसिएशन आता है या ग्रोथ निकालना और नेट गिवन हो आप प्लस डेप्रिसिएशन करोगे नेशनल डोमेस्टिक का डिफरेंस एनएफआई एनएफआई होता है एन एफ आई ये अगर आपने नेशनल इनकम निकालनी है और आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो उसके अंदर आप एन एफ आई ऐड कर दो उसी तरह से मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आपने मार्केट प्राइस को चेक करना है या मार्केट प्राइस कितना तो फैक्टर कोर्स के अंदर जितने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं उनको एड ऑन कर दो तो आपके पास मार्केट प्राइस आ जाता है तो ये आपके फर्स्ट थ्री कन्वर्शन थे थ्री मेन कंसेप्ट थे जितनी भी नेशनल इनकम निकालते हो उसमें आपको बार बार कहते हैं जी डी निकालो नेशनल इनकम निकालो डोमेस्टिक इनकम निकालो तो वहाँ पर आपके ये थ्री कंसेप्ट यूज होते हैं जिनका यूज कर कर आप अगले मैथड्स इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मैथड को क्लियर करते हो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम नेशनल इनकम से रिलेटेड एट एग्रीगेट्स हैं ओके नेशनल इनकम के थ्री मेन कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने भी डिस्कस किया है एट एग्रीगेट्स हैं और थ्री मेथड्स हैं एट एग्रीगेट में से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी डी बहुत कॉमन टर्म है हमने टेंथ क्लास में भी डिस्कस किया है सिंपली जी डी एट एम का मीनिंग क्या होता है जी डी इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जी डी मीन जीम इन ग्रोस डी इन डोमेस्टिक पी इन प्रोडक्ट एंड पीम इन मार्केट प्राइस ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रोस नेट डोमेस्टिक नेशनल मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट पर तो जैसे ऐसे आपका फर्स्ट टर्म है दैट इज अ ग्रोस एंड नेट सेकंड टर्म डोमेस्टिक और नेशनल थर्ड इज कॉमनली दैट इज अ प्रोडक्ट एंड फोर्थ जो हमारे टर्म होती है दैट इज मार्केट प्राइज एंड फैक्टर कोस्ट तो सबसे पहले हमने इसको इसकी फुल फॉर्म देखी दैट इज ए जी डीपी एट एमपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस का मीनिंग क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट की या हमारी इकोनॉमी एकौन, के अंदर जितने भी प्रोडक्शन यूनिट थे डोमेस्टिक टेरेटरी के अंदर उन्होंने एक साल के अंदर जितनी प्रोडक्शन की है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की उनकी मार्केट वैल्यू के एस्टिमेशन को हम जीडीपी एमपी कहते हैं सिंपली इसको हम पी इन टू क्यू से भी डिनोट करते हैं तो जी डी पी एम पी इज अ मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस ज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग मार्केट वैल्यू जब भी चीज को बेचा जाता है तो मार्केट प्राइस और सर्विस नेशनल गुड्स और सर्विस आती है और डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हमने क्योंकि क्योंकि हम डोमेस्टिक जी डी निकाल रहे हैं एन नहीं और नेशनल इनकम को हम वन ईयर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं जी डी पी एम पी की अगर आपके पास वैल्यू होती है तो कोई ना कोई आपको एग्रीगेट यह बनोगा जिससे आप नेक्स्ट एग्री निकालोगे तो इससे हम सारे नेक्स्ट निकास है तो मैं जी डी पी एट एम पी को ही बार बार यूज करके आपको एड कंसेप्ट के लिए जा रही हूं ना सेकेंड कंसेप्ट है एनडीपी एट एम पी पहले इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी फर्स्ट एन इज नेट डोंट कंफ्यूज विथ नेशनल फर्स्ट एन नेट होता है और सेकेंड नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बेटा आपने निकालना है और आपको क्या गिवन है जी डी पी एट एम पी अब देखो एन और जी में डिफरेंस है बाकी अगली टर्म डी पी एम पी डी पी एट एम पी सेम है तो अगर फर्स्ट कंसेप्ट के में कोई एरर होता है तो उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन क्या है डेप्रिसिएशन ग्रोथ से नेट और नेट से ग्रोथ जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं डेप्रिसन तो हमने कहा था ग्रोथ इज़ ए बिगर नेट तो यहां पर हमने नेट निकालना तो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे थर्ड टर्म दैट इज ए जी एन पी एट एम पी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जी मीन ग्रोस एंड टर्म डोमेस्टिक और नेशनल तो यहां पर एन इंडिकेट कर रहा है नेशनल को पी प्रोडक्ट को एंड मार्केट प्राइस जी डी पी एट एमपी हमें है तो इस टर्म के अंदर मैंने हाईलाइट किया एन और डी में डिफरेंस है बाकी सारे टर्म्स सेम्स हैं तो नेट निकाल नेशनल निकालना और डोमेस्टिक हम क्या एड ऑन करेंगे एन एफ आई ए

ग्रोस गिवन है नेट निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन नेशनल निकालना है और डोमेस्टिक गिवन है प्लस एन एफ आई कर देंगे इसी तरह से हमारा फिफ्थ कंसेप्ट दैट इज ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोर्स जी डी पी एट एम पी हमारे पास गिवन है इसमें हमारी पहले तीनों चीजें सेम है मार्केट प्राइस गिवन है और हमने फैक्टर कोर्स पे जाना है एम पी और एफ सी का डिफरेंस क्या होता है बेटा दैट इज ए नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट तो हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सीज माइनस कर देंगे नौ सिक्स कंसेप्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोर्स इसके अंदर जीडीपी एट एमपी इसमें हमारे पास टू मिस्टेक्स हैं वन इज नेट टू ग्रोथ अनदर इज एफ सी और एम पी नेट और तो ग्रोथ हमने बहुत बार डिस्कस किया माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन अब देखो अब नेट से ग्रो जाने के लिए अब हमें याद हो गया माइनस डेप्रिसिएशन और एफ सी निकालना है और एम पी गिवन है प्राइस गिवन है कॉस्ट निकालनी है तो हम इसमें से नेट इन डायरेक्ट एक्सिस माइनस कर देंगे सेवंथ कंसेप्ट दैट इज अ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसके अंदर आ गया हमारे पास नेशनल और डोमेस्टिक में एरर है और और उसके बाद हमारे पास फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में तो वी हैव टू ऐड एन एफ आई ए और माइनस नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस अगर हमें वो तीन कंसेप्ट क्लियर है ग्रोस, नेट डिफरेंसेस, डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक नेशनल डिफरेंसेस, एनएफआईए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट वी कैन इजीली मेक दीज एग्रीगेट्स, ना लास्ट एग्रीगेट्स, द वेरी कॉमन एग्रीगेट्स, अक्सर हम आपको कहते हैं नेशनल इनकम निकालो तो नेशनल इनकम का सीधा साधा मीनिंग क्या होता है एन हमने कोई भी सम इनकम मैथड से एक्सपेंडिचर मैथड से प्रोडक्शन मैथड से है या हमने सिंपली लिखते हैं नेशनल इनकम निकालो तो यू फील कन्फ्यूज नेशनल इनकम का मीनिंग नेशनल इनकम के लिए क्या यूज़ करते हैं एन तो एनएनपीएफ से निकालना जी डी पी एम पी है जीडीपीएमपी की गिवन है सबसे पहली चीज हमने नेट निकाल ली ग्रोस गिवन है तो माइनस डेपरीशन हमने नेशनल निकालना डोमेस्टिक गिवन है प्लस एन एफ आई ए और हमने नेट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया क्योंकि हमने फैक्टर कोर्स निकालना जो लास्ट एग्रीगेट है इसके अंदर तीनों कंसेप्ट को कंबाइंडली यूज किया है और यही हमारा नेशनल इनकम है दिस इज टूडेज टॉपिक जिसके अंदर हमने एट एग्रीगेट्स को डिस्कस किया अगर आपको ये एट एग्रीगेट्स क्लियर हो जाते हैं और तीन कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं देन वी कैन डू नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज एन इनकम मेथड नेशनल इनकम निकालने के लिए क्योंकि जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है अगले एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन जी डी पी एट एम पी निकलता है अगर आपके पास एनडीपीएफ सी आ गया या जी डी पी एट एम पी आ गया लेकिन क्वेश्चन के ऊपर लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए आपको वो प्रोसेस अगेन एग्रीगेट्स के थ्रू डेप्रिसिएशन एन एफ आई ए और नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट के थ्रू ही क्लियर करना होगा तो ये एग्रीगेट्स के बिना आप मैथड्स को क्लियर नहीं कर सकते सो काइंडली नोट डाउन do practice again and again so that you can easily do the next method that is a income method this is today's topic